हाय, जैसा कि हम सेक्शन 154 एंड 155 सीआरपीसी का कवर कर चुके हैं, जो कि चैप्टर 12 के पहले दो सेक्शंस हैं, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि कैसे इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचती है या विक्टिम अपनी इंफॉर्मेशन पुलिस तक कैसे देता है, उससे वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, अब वो जो क्राइम हुआ उसके साथ वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम ये चीज समझ चुके हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 156 एंड सेक्शन 157 के अंदर। हमें इन सेक्शंस के अंदर ये बताया गया है कि जो पुलिस होती है उसके पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है केस को जो कि कॉग्निजेबल केस है। तो कॉग्निजेबल केस कौन सा होता है, जो कि सेक्शन 154 के अंदर जिसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे केसेस के अंदर पुलिस जो होती है वो बिना मजिस्ट्रेट की डायरेक्शंस के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। हालांकि इसी के सबसेक्शन 3 के अंदर भी ये बताया गया सेक्शन 156 के कि मजिस्ट्रेट भी डायरेक्शंस दे सकता है सेक्शन 190 के हिसाब से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो हमें सेक्शन 156 के अंदर पुलिस की पावर बताई गई है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है कॉग्निजेबल केसेस के अंदर। और जब हमने सेक्शन 155 समझा था जिसके अंदर नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बताया गया था, तो वहां पे अगर उसको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर्स मिलते हैं तो उसके पास उस केस के अंदर भी वही सारी पावर्स आ जाएंगी जो उसकी सेक्शन 154 के अंदर होती, जो कि हम सेक्शन 156 के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन एक पावर नहीं होती कि वो एक्यूज्ड को बिना वारंट के अरेस्ट कर पाती, उसको वारंट की जरूरत होगी सेक्शन 155 के अंदर भी, चाहे उसको कोर्ट से ऑर्डर्स मिले हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये सेक्शन 156 के अंदर बताया। सेक्शन 157 के अंदर बताया कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा। जब पुलिस सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करेगी और कहेगी कि इसका कॉग्निजेंस लिया जाए। लेकिन जहाँ पे पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ हुई है ये नॉन सीरियस नेचर की है, तो जो पुलिस है उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उस जगह पे जाए, या पुलिस ऑफिसर ऐसा भी कर सकता है कि अपने सबॉर्डिनेट को वहाँ पे भेज सकता है, या फिर अगर उसको ये लगता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो सफिशियंट ग्राउंड उसके लिए नहीं दिए जा रहे, तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं भी कर सकती। लेकिन पुलिस को इस बात की इंफॉर्मेशन, जिस विक्टिम है जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को, उसको देनी होगी और साथ ही साथ ये रीज़न भी लिखना होगा कि वो ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन दो सेक्शंस के अंदर बताई गई हैं। यहाँ पे कुछ केस भी आते हैं जो कि मेंशन किए गए हैं, तो हम पहले बेरेक में से रीड करते हैं सेक्शन 156 को कि सेक्शन 156 के अंदर क्या बोला गया है। सेक्शन 156 बोलता है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस की, वही बात कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर्स हैं किस चीज की, कॉग्निजेबल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने की। कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जो कि सीरियस नेचर के होते हैं और पुलिस उन केसेस के अंदर एक्यूज को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। सब सेक्शन 1 के अंदर बोला गया, एनी ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, कि कोई भी पुलिस इंचार्ज जो है वो क्या कर सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस, किसी भी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। विच अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन वुड हैव पावर टू इंक्वायर इनटू ट्राई अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 13, जिसकी उसके पास पावर होगी जो भी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उसके एरिया के अंदर अगर वो केस आ रहा होगा तो। फिर इसी के सबसेक्शन 2 के अंदर बताया, नो प्रोसीडिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर, की कोई भी जो प्रोसीडिंग है पुलिस ऑफिसर की, इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, की किसी भी स्टेज के ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा वो जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन व्हिच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट, ये कह के कि आपके पास इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर ही नहीं थी। यहाँ पे एक केस है एस एन शर्मा वर्सेस बिपिन कुमार का, जिसके अंदर ये बात बोली गई थी कि कोर्ट भी जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता किसी भी पुलिस ऑफिसर से कि आपके पास ये केस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर
नहीं है. और फिर यहीं पे सब सेक्शन 3 के अंदर बताया गया कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190. सेक्शन 190 के अंदर किसी भी अगर मजिस्ट्रेट के पास पावर है, मतलब कि 190 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है उसकी कॉग्निजेंस लेने की, तो उसी के अंदर बताया गया कि अगर कोई कंप्लेंट केस होता है तो उसके अंदर भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है. तो वो डायरेक्शन देगा अगर इस सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के हिसाब से, कि उस केस की भी इन्वेस्टिगेशन की जाए. मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन. तो वो मैजिस्ट्रेट भी ऑर्डर्स कर सकता है सेक्शन 190 के हिसाब से कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए. अब यहाँ पे जो वर्ड मैजिस्ट्रेट यूज हुआ है, एक केस था बातेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट, इसके अंदर ये बताया गया था ये जो मैजिस्ट्रेट है ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा ना कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है ये डायरेक्शंस दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं दे सकता. तो ये सेक्शन 156 के अंदर बताया गया. सेक्शन 157 के अंदर क्या बताया, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन करने का, जिसके अंदर की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट की बात की जाती है कि पुलिस को प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है. सबसेक्शन 1 के अंदर बोला गया इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, कि चाहे वो इंफॉर्मेशन मिली हो या किसी और तरीके से, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, की वो इंफॉर्मेशन मिलने के कारण या उस पुलिस को ये सस्पेक्ट है कि ये जो ऑफेंस है ये कमीशन हुआ है, which is empowered under section 156, और उस पुलिस के पास पावर है section 156 की जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की. He shall forthwith send a report of the same to magistrate empowered to take cognizance of such offence. तो जब वो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो जो भी उसने किया है उसको वो मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा कॉग्निजेंस लेने के लिए. Upon a police report and shall proceed in persons or shall depute one of his subordinate officer not being below the such rank of state government may by general or special order prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender. की जो भी measures लेने हैं, एक subordinate officer को भी appoint कर सकते हैं जो भी state के rules हैं उसके हिसाब से, और जो भी हमें investigation करनी है, जो भी arrest करने हैं, detention करने हैं, वो police कर सकती है. उन सब चीजों की power police के पास है. लेकिन इसी के क्लॉज ए के अंदर बताया जब वो इंफॉर्मेशन है जो मिली है कि एक ऑफेंस जो है कमीशन हुआ है किसी पर्सन के अगेंस्ट, और पुलिस को लगता है कि ये नॉन सीरियस नेचर की है, जो इंफॉर्मेशन मिली है वो नॉन सीरियस नेचर की है, तो पुलिस क्या कर सकती है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट टू प्रोसीड इन पर्सन. जो उस वो पर्सन है जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको जरूरी नहीं है कि वो वहां पे खुद जाए, और वो क्या कर सकता है, और डिप्यूट अ सबॉर्डिनेट ऑफिसर टू मेक द इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट, कि वो एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं कि उसका सबॉर्डिनेट ऑफिसर जाएगा स्पॉट पे और इन्वेस्टिगेशन करेगा. फिर इसी के क्लॉज बी के अंदर बताया कि इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, कि उसको लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं, किसको, जो पुलिस इंचार्ज है उसको ये लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं फॉर एंट्रिंग इन टू ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, की इस इन्वेस्टिगेशन में घुसने का कोई सफिशियंट ग्राउंड है ही नहीं, किया करेंगे भी तो उससे कुछ होगा ही नहीं, तो ही शेल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, तो केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा. फिर सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इन ईच ऑफ द केस मैंशन इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ सबसेक्शन 1 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शेल टेक स्टेट इन हिज रिपोर्ट हिज रीजन फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सबसेक्शन एंड इन The case mentioned in clause B of the said provision, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the state government, the fact that he will not investigate the case or cause it so be investigated. कि उसको reason देना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर वो clause B के अंदर जाता है कि जहाँ पे वो मना कर देता है कि मैं investigation ही नहीं करूँगा, तो जो informant है उसको भी वो बताएगा कि मैं इसके अंदर investigation नहीं कर रहा, और उसके अंदर reason बताएगा कि मैं investigation क्यों नहीं कर रहा. तो ये हमें इन दो सेक्शंस के अंदर कवर किया, सेक्शन 157 और सेक्शन 156 के अंदर, और पिछली वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 154 एंड 155 को कवर कर लिया है.